एक्चुअली 2 दिन से यहाँ पे बारिश हो रहा है तो इसीलिए नींद बहुत ही अच्छा आया। अभी हम लोग गुवाहाटी में है और बिल्कुल कामाख्या टेम्पल के पास में है। ये एक होटल है, होटल आप गेस्ट हाउस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी गेस्ट हाउस एंड होटल्स है, किसी के बाहर कॉमर्शियली जो बोर्ड होते हैं वो लगा हुआ नहीं है, क्योंकि मतलब जो साइन बोर्ड होते हैं उनका जो नाम का कोई बोर्ड होगा वो आपको नहीं मिलेगा। किसी को अगर आपको पूछना पड़ेगा तभी आपको यहाँ पे गेस्ट हाउस या होटल्स मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो इसीलिए वो लोग मतलब टैक्स का अगर आप बोर्ड लगाएंगे कमर्शियली तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, पैसा जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा, इसीलिए कोई यहाँ पे बोर्ड्स नहीं लगाते। तो बिना आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे होटल वगैरह नहीं है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे होटल जितने भी बिल्डिंग्स है सब गेस्ट हाउस है होटल्स है। तो आप किसी को भी यहाँ पे पूछेंगे तो आपको मतलब सामने दुकान लगा रहता है इन लोगों का, तो उनको ही आप पूछना तो आपको होटल से गेस्ट हाउस वगैरह मिल जाएगा। तो हम लोग जिस होटल में अभी गेस्ट हाउस में है ये हम लोगों को मतलब बहुत ही अच्छा है अभी, क्योंकि हम लोगों को ये इतना सस्ता मिला है। दो आदमी के लिए हम लोगों को 1100 रुपये में रूम मिल गया। मतलब 2 दिन के लिए, एक दिन का कितना हो रहा है, 550 रुपये करके हो रहा है 2 आदमी के लिए। हाँ ऑब्वियसली विदाउट फूड, तो वैसे ये ब्लैंकेट वगैरह अच्छा दिया है इन लोगों को, बेडशीट वगैरह, बेड भी अच्छा है, वॉशरूम भी बहुत अच्छा है। मतलब रूम प्राइस के रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छा रूम है, और यहाँ से रूम का जो व्यू है वो भी बहुत ही अच्छा है। इससे बाहर का जो व्यू है आपको लगेगा कोई आप हिल स्टेशन में है, तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं शिलोंग वगैरह में आ गए या जम्मू में आ गए, ऐसा लग रहा है। अच्छा रूम है, और अभी तो रूम का हालत ऐसा है, भाई सब गए थे वेदर का देखने, वेदर फोरकास्ट देखने के लिए बाहर। ये वॉशरूम है, ठीक है रूम जिस प्राइस रेंज में भी अच्छा मिला है हम लोगों का। वैसे तो रूम अभी ऐसे हालत में है क्योंकि कल सामान पैंट शर्ट वगैरह सब गिला हो गए थे, आज तो निकलने वाले थे लेकिन पता नहीं वो इधर का क्या है। यहाँ हम देख सकते पूरे बादल छाया हुआ है यहाँ पे, सच में मौसम यहाँ पे फुल पैक है। अभी आप बादल देख रहे होंगे चारों तरफ कालो बादल छाया हुआ है, और पूरे गुवाहाटी जो सिटी है उसका व्यू आप देख सकते हैं। इस साइड पे वो ब्रह्मपुत्र रिवर है, और ये जस्ट जो टेंपल है ना बस यहीं पे, जस्ट इससे नीचे जाएंगे थोड़ा सा आगे जाके गेट है, बस अंदर एंट्री है, तो यहीं पे टेंपल है बिल्कुल पास में। ये हमारा होटल है, और ये यहाँ पे जितने भी स्टे देख रहे हैं आप, किसी के सामने जो नेम प्लेट होते हैं बोर्ड होते हैं वो किसी के सामने आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको जो सामने दुकान होते हैं उनको लगा हुआ उनको आपको आके यहाँ पे पूछना पड़ेगा, और बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे तो पता नहीं मुझे, ये शायद ऑफ सीज़न है इसीलिए हमें सस्ते में रूम मिल गए, शायद सीज़न में थोड़ा सा ज़्यादा आपको पे करना पड़ सकते हैं। तो हम लोगों को 2 दिन के लिए 1100 रुपये लगा, एक दिन का 550 रुपये लगा 2 आदमी के लिए, तो बहुत ही सस्ता है ये, बहुत बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, और रूम के कंपेरिजन में तो बहुत ही सस्ता है क्योंकि रूम बहुत अच्छा है। ये वो बोल रहे थे कि सीज़न में हम लोग कम से कम 1000 या 800 में देते हैं, तो हमें बहुत सस्ता में रूम मिल गया। और आसपास वैसे आसाम साइड नॉर्थ ईस्ट साइड पर आपको खाना सस्ता ही मिल जाएगा, बहुत ही कम रेट में आपको बहुत ही अच्छा खाना मिल जाएगा। हवा तो चल रहा है अभी, ठंडा ठंडा मौसम, मतलब ठंडा तो हो गया यहाँ पे इसीलिए मैं भी जैकेट लगा लिया। तो आज निकल रहे वाले थे हम लोग अरुणाचल प्रदेश के लिए, तो हम लोगों जो परमिट है इनरलैंड परमिट अरुणाचल प्रदेश का वो हमें अभी भी अप्रूव नहीं हुआ, हम लोगों ने पहले दिन अप्लाई किया था वो कैंसिल हो गया था, फिर दूसरे दिन अप्लाई किया वो अभी भी पेंडिंग चल रहा है, प्रोसेसिंग पे चल रहा है, पता नहीं कब अप्रूव होगा। तो जो भी हो आज हम लोग निकलने वाले हैं, जाके देखेंगे DC ऑफिस में या बॉर्डर एंट्री में कुछ बात बन जाए, तो जो भी होगा आपको मैं अपडेट कर दूंगा, और अरुणाचल प्रदेश का एंट्री का क्या क्या जानकारी है मैं सब कुछ अपलोड कर दूंगा। और ये
वैसे कल हम लोगों ने एंट्री किया था यहाँ पे, अभी मैं हम लोग गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के मतलब कामाख्या टेम्पल के बिल्कुल बाहर है, और कामाख्या टेम्पल के एंट्री के लिए जो प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप आ जाओ और लाइन में खड़ा हो जाओ और लग जाओ। सीजन में थोड़ा सा लंबा लाइन होता है, और कल तो हम लोग जस्ट 45 मिनट्स में हम लोग पूरा मंदिर दर्शन करके आ गए थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था तो और दिवाली भी था, तो दिवाली की वजह से बारिश की वजह से यहाँ पे लोग जो क्राउड जो इतना नहीं था, क्योंकि सब घर में अपने अपने घर में दिवाली मना रहे थे, और मौसम की वजह से बहुत ही लोग कम थे। तो हम लोगों को 30 मिनट से 45 मिनट्स के अंदर में हम लोगों को पूरा मंदिर दर्शन करके हम लोग निकल भी गए थे, और क्राउड्स बिल्कुल भी नहीं था। तो ये जो गुवाहाटी नीचे सिटी है वहाँ से 3 किलोमीटर आपको ऊपर आना पड़ता है, वैसे इतना कुछ क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ पे पहुँचने के लिए, इजीली है आपको। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको वहाँ से नीचे से कोई भी कैब आपको मिल जाएगा, बस मिल जाता है, बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन से आपको बस इजीली मिल जाता है, और बहुत ही सस्ता फेयर में आपको यहाँ पे 200 से 300 रुपया लेगा यहाँ पे यहाँ तक मंदिर तक आने के लिए। और यहाँ का खाना और जो स्टे का है बहुत ही सस्ता है, क्योंकि यहाँ पे अपने मंदिर है इसलिए आपको सारे के सारे जो इतने भी फूड्स है वो आपको वेजिटेरियन मिलेगा, और वेज फूड यहाँ पे हम लोग मैंने जैसे कल यहाँ पे लिया था मंदिर के पास में वो 90 रुपीस लिए थे, 90 रुपीस में बहुत ही अच्छा खाना दिया हम लोग, पेट भर में आपको जो चाहिए अनलिमिटेड देगा, रोटी नहीं देगा राइस देगा, रोटी लेंगे तो थोड़ा सा आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो बाय बाय बोलते हैं गुवाहाटी को और निकलेंगे अरुणाचल प्रदेश के लिए। हाँ, मंदिर के रिलेटेड कोई भी आपको सवाल हो तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और सब ग्रुप आप तो हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये होटल का जो डिटेल्स है, डिटेल्स कुछ नहीं है, नाम वगैरह तो बिल्कुल है नहीं सेट, तो नंबर जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मुझे आप व्हाट्सअप कर देना, कमेंट्स कर देना, और या तो व्हाट्सअप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना।